वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2023, और 14 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि तमिलनाडु को पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया, और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। और सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आते उनको सब्सक्राइब करें, और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज आपको पता है 14 जुलाई है, और 14 जुलाई के दिन आज लगभग 2:35 पर आज आपको पता है इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी, उसकी वो पूरी चर्चा है कल अपनी सुबह इसकी करंट के अंदर क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है इसरो, और ये भारत का सबसे बड़ा ये एक जो है व्हीकल, ये परीक्षण किया जाएगा इसरो के द्वारा। देखेंगे आज पूरी चर्चा 2 बजे, और हो सकता है मैं आपके लिए छोटी सी एक शाम तक इसके अलग से भी एक क्लास आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 12 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है 42वां। किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ताइवान, ताइवान देश द्वारा। किस राज्य का मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बना है? तो ये बन चुका है तेलंगाना राज्य का। भारत 2075 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये लगभग पछाड़ सकता है अमेरिका को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी योजना की शुरुआत की? तो ये की है उड़ीसा की सरकार ने। हाल ही में डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वो है अपना देश भारत। कौन सी सार्वजनिक उपक्रम रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? वो बन चुका है ONGC। हाल ही में भारत और किस देश ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड चलाया? तो ये चलाया है भारत और अमेरिका ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने नेवल एयर स्टेशन पर LRMR हैंगर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है पोर्ट ब्लेयर। हाल ही में एडगर्स रिंकेविक्स ने किस देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये बन चुके हैं लातविया के। और फोर्ब्स 2023 में 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? तो ये हैं 4। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज अपने कर लिया। इसके जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, और जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पर है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको स्लाइड पर वहां पर डाल देता हूं। तो ये शानदार तरीके से आपको सुबह मेरी करंट की क्लास, और शाम को 5 बजे आपको पता है मेरी ये राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर की ये सीरीज आपको लगातार मिल रही है। ये डेली आपको रोज शाम आपको मेरी 5 बजे क्लास आपको मिल रही है। इसमें आपको राजस्थान और इंडिया दोनों की ये छोटे छोटे सीरीज मैं आपके लिए लगातार लेकर आ रहा हूं। आज इसके अंदर अपने 12 नंबर सीरीज की अपने बात है करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता है, और ये बुक का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। कल आपको इसकी पहली क्लास मिल चुकी है, आज आपको सुबह 9 बजे इसकी दूसरी क्लास आपको मिलेगी। तो ये बुक आप धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में भी आपको रिवाइज इसको कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभी नहीं इनको सम्मानित किया जाएगा, इनको किया जाएगा 1 अगस्त को। कब है? 1 अगस्त को पुणे के अंदर। कहां पर है? 1 अगस्त को पुणे के अंदर इनको क्या है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित इनको किया जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से ये सम्मानित करेगा। यानी कि लोकमान्य तिलक की क्या है 103वीं पुण्यतिथि बनाएगी 1 अगस्त को, उसी दिन हमारे देश के मोदी जी को, प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भारत की मिसाइल महिला के नाम से मशहूर है, एक कौन है वरिष्ठ वैज्ञानिक टेसी थॉमस को प्रदान किया गया था। एक मिसाइल महिला के नाम से एक मशहूर वैज्ञानिक है टेसी थॉमस है, उनको ये पिछली बार प्रदान है किया गया था। और अब की बार आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 1 अगस्त को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक भू आयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई है ताजा, और उसके अनुसार देखें तो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हो चुकी है, तो ये 41.50 करोड़, ऑप्शन नंबर ए कितनी हो चुकी है 41.50 करोड़ आबादी है वो है गरीबी से मुक्त हो चुकी है। ये शानदार पॉइंट है, क्वेश्चन ध्यान रखना आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 ये जारी किया गया। इसके अंदर भारत में 2005 से लेकर 6 से 2019-21 के दौरान महज 15 साल के भीतर कुल 41.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं, यानी कि गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि भारत क्या दुनिया में सबसे आबादी वाला देश भी बने चुका है, यानी कि चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे जो है आबादी वाला देश है बन चुका है। और लगभग 15 साल के भीतर क्या है भारत 41.50 करोड़ लोग है वो गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। तो ये भी ताजा आंकड़े हैं, आर्थिक समीक्षा का एक क्वेश्चन है, आंकड़ा आपको याद रखना है। हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर कौन उद्घाटन करेगा, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अंदर स्थित है आपको पता है, और वहां पर 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। देखो मुख्य तथ्य, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू ने इनोवेशन रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट श्रेणियों में विजिटर अवार्ड 2021 प्रदान किए हैं। तो ये याद रखना है कि 10 जुलाई को उन्होंने 2 दिवसीय विजिटर कॉम्प्लेक्स 2 दिवसीय का आयोजन किया। इसके अंदर उन्होंने क्या है रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो श्रेणियां हैं उनको क्या है विजिटर अवार्ड 2021 भी उनको उन्होंने उस टाइम में क्या है प्रदान किए थे। 14 जुलाई को स्क्वाड्रन लीडर है ध्यान रखना सिंधु रेड्डी किस देश की बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेगी, लगा लो स्टार, आज 14 जुलाई है और 14 जुलाई को आपको पता है फ्रांस के अंदर कहां पर है फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर आपको पता है बास्टिल डे परेड के लिए परेड हो रही है, वहां पर आज होगी 14 जुलाई की। और आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां पर क्या है एक अतिथि के रूप में वहां पर उन्होंने बुलाया है, पता है मैंने आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से भी करवाया, तो वहां पर आज 14 जुलाई को स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी को किस देश की बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना की दल की कमान संभालेगी, तो ये संभालेगी फ्रांस के अंदर हो रही है ठीक है, कहां पर है फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर क्या है ये ध्यान रखना सिंधु रेड्डी नाम पूछा जा सकता है, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, और ये बेस्टिल डे परेड के अंदर भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेगी। देखो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी पेरिस की बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेगी। इसके अंदर ध्यान रखना MI-17 एक तो पायलट है, रेड्डी ने हल्के हेलीकॉप्टर भी उड़ाए हैं ठीक है, तो MI-17 पायलट जो रेड्डी ने हल्के हेलीकॉप्टर भी उड़ाए हैं। परेड में नौसेना दल में 4 अधिकारी और 64 नाविक इसमें अंदर शामिल होंगे, और फ्रांस के इस राष्ट्रीय दिवस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि होंगे, तो ये याद रखना है फ्रांस के अंदर आज आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो है फ्रांस की यात्रा पर है, वहां पर इस परेड पर अंदर क्या है हमारे देश के मोदी जी मुख्य अतिथि रहेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है, नागरिक उड्डयन
महानिदेशालय द्वारा किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण मिला? तो ये मिला है तमिलनाडु को। इसको मिला है, तमिलनाडु को मिल चुका है। देखो, नागरिक उड़ेन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा तमिलनाडु में पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन की हालिया इसको मंजूरी दी है। ये भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है। तो ये याद रखना, तमिलनाडु को तो ये पहला, ठीक है, पहला उड़ान प्रशिक्षण मिला, और देश के अंदर टोटल पूछे तो ये 36वां उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है। EKY एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को स्लेम हवाई अड्डे से संचालित करने की अनुमति दी गई है। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? विक्रम देवदत्त इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किन दो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है? तो आपको पता है, जैसे अपने राजस्थान के जो 40वें मुख्य न्यायाधीश थे ना, कौन? पंकज मित्तल। तो देखो, पंकज मित्तल थे, उनको क्या है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया। उसी तरह दो राज्यों के थे, एक तो तेलंगाना और एक है केरल राज्य के, ये दो मुख्य न्यायाधीश है, इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना और केरल राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखो, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश एक तो है उज्जल भुइया। कौन है? तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं उज्जल भुइया, और केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एस वेंकट नारायण, ठीक है, भट्टी को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और इन दो नई नियुक्तियों से शीर्ष अदालत में न्यायिक सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 33 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? इसके अंदर 33 हो चुकी है। अब हो सकता है इसमें एक आधा पद और रिक्त इसमें खाली है, अब टोटल इसमें 33 हो गए। और अब वर्तमान में हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड। कौन है? DY चंद्रचूड वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है। हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर किस राज्य ने मंजूरी दे दी? तो ये दी है उड़ीसा राज्य ने। किसने दी है? उड़ीसा राज्य ने मंजूरी दे दी है। उड़ीसा स्टेट कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। कैबिनेट की राय है कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि एक डिमांड थी, पहले चल रही थी कि इसकी इस भाषा को भी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल करें, क्योंकि ये जो ध्यान रखना, ये कुई भाषा है, ये लगभग उड़ीसा राज्य के लगभग आधे आधे राज्य के अंदर ये भाषा बोली जाती है। तो इसको अभी क्या है, 8वीं अनुसूची में इसको शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो वो है अमेरिका के पास, ठीक है। सबसे टॉप पर है अमेरिका, जिसके पास क्या है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। दो नंबर पे है चीन, तीन नंबर पे है, दो नंबर पे रूस आ गया, तीन नंबर पे चीन, और चार नंबर पे आता है भारत। देखो, अपने भारत का चौथा स्थान आता है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के अंदर, ठीक है। पहले स्थान पर अमेरिका आ गया, दो नंबर पे रूस, तीन नंबर पे चीन, और चार नंबर पे अपना देश भारत है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। इस सूची में रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है, और वहीं भारत ने चौथे स्थान पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। और दुनिया के सबसे कमजोर सैन्य बलों वाले देश शामिल है उसमें भूटान और आइसलैंड इसके अंदर शामिल है। यानी कि सबसे कमजोर जो सैन्य बल है वो भूटान और आइसलैंड के अंदर है, और सबसे ज्यादा जो ताकतवर वो सेना है वो किसके पास है? अमेरिका के पास। विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये की गई है कोलंबिया के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, वहां पर की गई है। अपने भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको पता है। तो विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक है वो कहां पर आयोजित हुई है? कोलंबिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बैठक के अंदर फर्जी खबरों का मुद्दा उठाया है। 13 जुलाई 2023 को विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कोलंबिया के कार्टाजेना में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो बैठक का आयोजन है वो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बैठक का किया, और उन्होंने लगभग इस बैठक के अंदर फर्जी खबरों का मुद्दा उठाया, यानी कि फर्जी चुनाव का उन्होंने मुद्दा उठाया। देखे, उन्होंने वहां पर जो
उस वहां पर जो विश्व जो चुनाव हुए थे कोलंबिया के अंदर, वहां पर जो देखा चुनावों का माहौल, तो वहां पर उन्होंने फर्जी खबरों का मुद्दा उठाया है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, कोलंबिया के कार्टाजेना में किया गया था। किस राज्य ने एनटीपीसी के साथ दो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, किस राज्य ने एनटीपीसी के साथ दो थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, तो ये दी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने दी है, उत्तर प्रदेश राज्य ने दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दो यानी कि ओबराडी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। 800 मेगावाट की क्षमता वाली इन परियोजनाओं का उद्देश्य है बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना और राज्य के लोगों को सस्ती बिजली प्रदान करना। यानी कि जब ये दो पावर जो पावर प्रोजेक्ट है ये यूपी के अंदर लगाए जाएंगे थर्मल है के अंदर, ठीक है, एनटीपीसी के द्वारा स्थापित है, तो वहां पर क्या है उत्तर प्रदेश को क्या बिजली से यानी कि बिजली का पूरा जो मांग है वो उसमें क्या सस्ती बिजली प्रदान है की जाएगी और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन भी होगा यहाँ पर। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया उड़ीसा के अंदर। किस राज्य में, उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये है एंकर लिसा और इसको उड़ीसा के अंदर इनको लॉन्च किया गया है। देखो AI उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर में उड़ीसा टीवी एक ऑडियो आधारित समाचार स्टेशन ने भारत के पहले क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया है। इस न्यूज स्टेशन ने खुलासा किया कि वह जल्द ही न्यूज अपडेट की मेजबानी करेगी। यानी कि न्यूज स्टेशन के अंदर लिसा को यहाँ पर लॉन्च किया गया और उन्होंने कहा जो ये न्यूज स्टेशन है वहां पर जल्द ही एक ताजा न्यूज अपडेट की मेजबानी इसके द्वारा की जाएगी। तो ये उड़ीसा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। लंबानी आर्ट ने किस शहर में आयोजित तीसरी G20 CWC बैठक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो लंबानी आर्ट का मतलब होता है ये एक कला है, ठीक है, लंबानी एक कला है, ध्यान रखना। तो लंबानी कला के अंदर किस शहर में आयोजित हुई इसकी तीसरी G20 CWC बैठक में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इसका आयोजन हुआ था कोलकाता के अंदर। कहां पर हुआ था, कोलकाता के अंदर इनका आयोजन किया गया था। भारत के G20 प्रेसिडेंस के तहत संस्कृति और संस्कृति कार्य समय की बैठक में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। हम्पी कोलकाता में आयोजित तीसरी G20 संस्कृति कार्य समय की बैठक के अनुसार लंबानी कला के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक ये ध्यान रखना भी, कई सोचते हैं भी हम्पी तो ध्यान रखना भी आंध्र प्रदेश में है, तो ये ध्यान रखना आंध्र प्रदेश वाला अलग है हम्पी, एक ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में अलग है, एक ये छोटा सा कोई शहर है उसमें हम्पी है वहां पर भी है, और आंध्र प्रदेश के अंदर ये हम्पी अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग याद रखना है, ठीक है। हम्पी में आयोजित G20 संस्कृति कार्य समय की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 10 जुलाई 2023 को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। साथ साथ में हाल ही में ला लीगा के दिग्गज खिलाड़ी लुइस सुआरेज का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है, तो हाल ही में ला लीगा के दिग्गज खिलाड़ी हैं लुइस सुआरेज और इनका निधन हो चुका है, ये संबंध है इनका फुटबॉल से, ठीक है, किसके खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, यानी कि अब तो इनका निधन हो चुका लेकिन ये पहले फुटबॉल के खिलाड़ी, तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। लुइस सुआरेज मीरा मोंटेस जिन्हें गोल्डन गैलेशियन के रूप में भी जाना जाता है, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत सम्मान बैलन डी ओर प्राप्त करने वाले एकमात्र स्पेनिश व्यक्ति थे, यानी कि फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित ये व्यक्ति माने जाते हैं और इनको बैलन डी ओर प्राप्त करने वाले एकमात्र ये स्पेनिश व्यक्ति थे, और जो सुआरेज ने 1960 के अंदर बैलन डी ओर पुरस्कार जीता, तो ये ध्यान रखना ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और इनको गोल्डन गैलेशियन के नाम से भी जाना जाता है और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे चैनल को आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी पीडीएफ है कोई भी लिंक आपको सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 20 साल के प्रियांशु ने अंडर 20 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो इनका संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से, ध्यान रखना। कई विद्यार्थियों ने बैडमिंटन भी जवाब दिया, कई विद्यार्थी टेबल टेनिस का जवाब दे रहे थे, खास तौर से बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवाया है, तो ये तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं 20 साल के प्रियांशु, उन्होंने अंडर 20 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए और जिन विद्यार्थियों ने
टेबल टेनिस और बैडमिंटन का जवाब दिया है, तो थोड़ा सा आप करंट पर ज्यादा ध्यान दें। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में पार्थ सालूके ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। आज हो सकता है आपके लिए 1 या 2 मिनट की क्लास थोड़ी लंबी है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे बढ़िया तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन हमने छोड़ना भी नहीं है, साथ साथ में इनको लेकर भी चलना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही शानदार है। एक आधा कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से टपक है सकता है, तो इसलिए हो सकता है 1 या 2 मिनट आपके लिए क्लास थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लगभग 15 मिनट की या 18 मिनट की, ज्यादा ही अपने लिए कोई क्लास नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके लिए क्या कुछ कई बार क्या है क्वेश्चन ज्यादा हो, तो आपके लिए 20 मिनट तक भी क्लास है जा सकती है। तो ये अपनी आज की क्लास थी। तो मिलते हैं अपने शाम को 5 बजे की क्लास के साथ, उसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।